पर दोस्तों टॉस होता हुआ एक तरफ है मेरठ की टीम तो दूसरी तरफ यूपी की टीम। देवरिया कबड्डी टूर्नामेंट का पहला मुकाबला, बेहतरीन टूर्नामेंट है, हर साल देखने को मिलता है। एक तरफ है यूपी की टीम, उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ भाई मेरठ। एक तरफ भाई मेरठ की टीम, बेहतरीन और स्टार खिलाड़ी सारे इस टीम में भाई। दूसरी तरफ यूपी की टीम, यूपी और मेरठ। पांच नंबर एक खिलाड़ी के द्वारा मुकाबला स्टार्ट होता है, पहले मेरठ के बोर्ड में विक्रम यूपी की तरफ से पांच नंबर जर्सी में। आज का एक पहला मैच मेरठ बना यूपी के बीच चलता हुआ, पहली रेड में भाई बेहतरीन टैकल देखने को मिला, कमाल का टैकल। दोस्तों मुकाबला स्टार्ट हो चुका है, एक तरफ मेरठ की टीम है तो दूसरी तरफ है यूपी उत्तर प्रदेश की टीम भाई। बेहतरीन बेहतरीन स्टार खिलाड़ी दोनों तरफ, सारे यूपी के स्टार। ये देखिए चार नंबर एक खिलाड़ी यूपी की तरफ से, बुढ़ाना क्लब की बात कर रहे हैं अमित नागर, चार नंबर जर्सी में भाई, बिल्कुल बेहतरीन बचाव, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। एक नंबर एक खिलाड़ी रैना, एक बार फिर एक नंबर जर्सी में पांच के डिफेंस में कामयाबी मिली है अभी तक मेरठ की टीम को। यूपी के चाहे लेकिन भाई निकल क्या ये मल्टी पॉइंट है, मल्टी पॉइंट चार जीरो स्कोर, रेड का एडवांटेज बोला यहाँ यूपी के तरफ से। चिराग रेड में पहली बार चिराग इस मुकाबले में, और देने अच्छी कोशिश, बहुत लंबा प्रयास किया है भाई और कवर को निशाना बनाया इस बार। खाता खुलता हुआ उत्तर प्रदेश टीम का, एक नंबर एक खिलाड़ी आए हैं चिराग भाई यूपी पुलिस को, इस समय निकला यूपी गोल्ड एक नंबर जर्सी में सुंदर। विक्रांत, विक्रांत की बात करें निखिल की बात करें तो दोनों बेहतरीन रेडर, लेकिन इस समय पहली रेड में तराशाई किया था डिफेंस ने विक्रांत को। हेलो, एक बेहतरीन और स्टार खिलाड़ी विक्रांत, और एक और बेहतरीन टैकल भाई, दो मैच लगा चुका है भाई मेरठ का डिफेंस विक्रांत को, विक्रांत को भाई दो कैच लगा चुका है मेरठ का डिफेंस। अरे ना एक नंबर जैसी में तीन के डिफेंस में सुपर टैकल ऑन, और तीनों के तीनों स्टार खिलाड़ी समय कोर्ट के अंदर। एक ऑलराउंडर, एक राइडर, एक डिफेंस, एक और एमपी राइड देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह का मुकाबला स्टार्ट हुआ है अभी तक लीड में मेरठ ने भाई शुरू में ही बढ़त बना लिया इस मुकाबले में, बड़ा मुकाबला है 20-5-20 का मुकाबला है। अमित नागर एनी रेलवे में कार्यरत गोरखपुर में ये खिलाड़ी प्रो कबड्डी का हिस्सा रह चुका है, जयपुर विंग पैंथर इस समय रेड में, ऋतिक डू अडाई में तीन का डिफेंस सुपर टैकल ऑन, लंबी कद काठी दस नंबर, और भाई दस नंबर जैसी आप समझ सकते हैं बेहतरीन बड़े स्टार खिलाड़ियों के पास, चाहे क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, कबड्डी की बात करें, इस समय ऋतिक सुपर टैकल ऑन, क्या बेहतरीन है भाई, क्या जबरदस्त, क्या ये मल्टी पॉइंट रेड है, एक और मल्टी पॉइंट रेड है, बिल्कुल भाई पूरी तरह से तितर बितर कर दिया ऋतिक ने। चिराग एकमात्र पॉइंट, एकमात्र पॉइंट मिला है यूपी की टीम को, चिराग ने दिलाया था एक और बोनस का प्रयास किया है और बोनस को पूरी तरह से ओपन कर दिया है, लेकिन जबरदस्त एक और टैकल भाई, एक बोनस मिला है यूपी को और वन बोनस, और ये देखिए पुनः रे ऑल आउट खिलाड़ी के द्वारा रहना एक बार फिर
लगातार प्रयास रहता है इस खिलाड़ी का सभी टूर्नामेंटों में और यहां प्रदर्शन करता हुआ मेरठ की तरफ से। एक और अमित नागर और चार नंबर जर्सी में मल्टी पॉइंट रेड कर दी, मल्टी पॉइंट धीरे धीरे जरूर कर रही है भाई यूपी की टीम। अमित नागर निकल कर लगाने का प्रयास था और रेड राउट भाई रेडर को धीरे धीरे भाई और ये क्या गया वापसी करती टीम मिलता है योगी को चार के डिफेंस में विक्रांत दो की चैन लेफ्ट में दो की चैन राइट में सेंटर खाली है मेहनत करनी होगी विक्रांत को और जो वापसी कर रही है टीम यहां से क्या बदला चुकता करेगी यूपी की टीम जो ऑल आउट मिला है उसका फलट मार देगी और पानी कहां से रखवा दे निखिल का डिफेंस फुल स्क्वाड पर शूट करने का प्रयास एक और एम्प्टी राइट डुअल डाई का इंतजार यूपी की तरफ से भाई कौन करेगा डुअल डाई राइट कौन जिम्मा संभालेगा लेकिन अमित नागर एक मल्टी पॉइंट रेड कर चुके हैं एयर मूवमेंट पर लास्ट वक्त में भाई विक्रांत ने और ये पास डाई में अरे भाई जी राजू इधर भी डुआ डाई भाई कमाल की एक किक है मोहित वालियान को निशाना बनाया एक और बेहतरीन जबरदस्त रेड भाई धीरे धीरे जो एडवांटेज है फिर से मेरठ के पक्ष में आता हुआ लेकिन अमित नागर क्या एक और वो मल्टी पॉइंट रेड या वापसी भाई पूल मुकाबला है ग्रुप स्टेज का मुकाबला है पहला मुकाबला देवरिया कबड्डी टूर्नामेंट 51,000 रुपए की इनामी राशि भाई दांव पर लगी हुई है इस टूर्नामेंट में जो टीम जीतेगी वो 51,000 रुपए अपने पक्ष में करेगी लेकिन भाई सबसे बड़ी बात होती है मान सम्मान और खिताब किसके पक्ष में जाएगा। अभी टूर्नामेंट भाई स्टार्ट हुआ है पहला मुकाबला है इस टूर्नामेंट का ग्रुप स्टेज का मुकाबला प्रशूट करने का प्रयास लेकिन कामयाबी नहीं मिली एक और एम्प्टी राइट देखने को मिलेगी क्योंकि अक्सर लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर ये काम करते हैं भाई लग गया तो दाब लग गया लेकिन एम्प्टी राइट से लौटना पड़ा एक और डो डाई राइट एक बार फिर भाई एक और मल्टी पॉइंट रेड अमित नागर की बेहतरीन कमाल का प्रदर्शन निखिल डू अडाई में जिम्मा संभाला है इस बार निखिल ने कमाल की टीम दोनों इस समय आमने सामने सूरज पर दावा जरूर किया गया है सूरज पर डू अडाई रेड थी भाई डू और डाई रेड थी और रेडर को आउट दिया जाएगा टाइम आउट लिया है यूपी ने भाई स्कोर की बात करें साथियों 8-12 का स्कोर है चार पॉइंट की लीड इस समय मेरठ के पास जरूर है लेकिन एडवांटेज यूपी के पक्ष में है क्योंकि तीन खिलाड़ी कोर्ट में हैं एक और बेहतरीन साइड हैंड टच किया है और स्कोर हो गया भाई 9-12 तीन पॉइंट का अंतर है दो खिलाड़ी कोर्ट में है अगर यहां टच पॉइंट नहीं मिला रैना को तो मुश्किल बढ़ जाएगी लेकिन एक साइड किक बेहतरीन लगाई थी मोहित वालियान को और वही प्रदर्शन लेकर के आप जबरदस्त ये टैकल देखने को मिला है भाई सेंटर लाइन तक पैर जरूर पहुंचा था ऊपर से घूम गया और स्कोर हो गया 10-12
मतलब ऑल आउट मिलेगा यहाँ मेरठ को, ऑल आउट मिलता हुआ। स्कोर की बात करें, एक पॉइंट की लीड में आ गई भाई यूपी की टीम, हिसाब बराबर कर दिया है और मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर आता हुआ 12-13 स्कोर। ऋतिक आए हैं, ऋतिक भी एक मल्टी पॉइंट ऐड कर चुका है इस मुकाबले में। जबरदस्त मुकाबला, काटे की टक्कर दोनों टीमों के बीच। आशीष, क्या ये बेहतरीन प्रयास है भाई, कमाल का टैकल, गजब का गेम दिखाती हुई इस समय यूपी की टीम। एडवांस टैकल का प्रयास और कामयाब होता हुआ एडवांस टैकल आशीष का। आशीष इस समय यूपी का प्रतिनिधित्व करते हुए, और प्रो कबड्डी में आशीष भाई यूपी योद्धा के लिए भी अपना दमखम दिखा चुका है खिलाड़ी, और वही प्रदर्शन यहां। एडवांस टैकल करने का प्रयास था और कामयाब हुआ पर टैकल। एक और एम्प्टी राइट, निखिल एक नंबर जर्सी में, सात का डिफेंस है। बहुत जल्दी जल्दी रेड की जा रही है भाई दोनों तरफ से। भाई स्कोर की बात करें तो 14-12 का स्कोर है की लीड में इस समय यूपी नंबर के खिलाड़ी के द्वारा। धीरे धीरे भाई यूपी शिकंजा करती हुई, डू और डाई रेड विक्रम जो लीड है वो 3 पॉइंट की आ गई है इस समय। यूपी ने इस समय पूरी तरह से शिकंजा कर दिया, चाहे डिफेंस की बात करें या रेड डिपार्टमेंट की, जहां रेड में विक्रांत और अमित राधा कमाल कर रहे हैं वही डिफेंस में भाई इस समय मोहित और आशीष कमाल का प्रयास। अच्छा प्रयास, एक और एंट्री, और एक और ये पांच नंबर खिलाड़ी योगी एक रेड करते हुए मेरा के बोर्ड कोई से नहीं एक और एंट्री आज का मैच मेरठ बनाम यूपी के बीच में चलता हुआ पहला मुकाबला देवरिया कबड्डी टूर्नामेंट, और अभी तक बेहतरीन पूरी तरह से कह सकते हैं बैकफुट पर धकेल दिया है इस समय मेरठ की टीम। टैकल कमाल का भाई मनीष का, जबरदस्त टैकल, मध्य अंतर हो गया भाई। भाई स्कोर की बात करें तो 14-17 स्कोर है, मात्र 3 पॉइंट का अंतर है यूपी के पक्ष में। मुकाबला स्टार्ट हो तो भाई 14-17 तीन पॉइंट का अंतर अभी भी यूपी लीड में है। अरे अच्छी कोशिश, बिल्कुल भाई दावा जो किया था उसे स्वीकार किया गया है। 15-17 तेरे नंबर के खिलाड़ी ने चिराग भाई कमाल का टैकल, जबरदस्त वापसी, धीरे धीरे फिर से पकड़ मजबूत करती हुई मेरठ की टीम। मेरठ की तरफ से योगी के बोर्ड ने यहाँ चार का डिफेंस है, चल के योगी के बोर्ड ने देखा जाए क्या करते हैं।
डिफेंस को दौड़ पाते हैं या नहीं, एम्प्टी रेड देखने को मिलेगी। और अमित नागर और फल्लू चार नंबर जैसी में हुई। और तीनों के तीनों भाई स्टार डिफेंडर यूपी के इधर भी एम्प्टी देखने को मिलेगी भाई, क्योंकि जानते हैं डुबडाई पहले मेरठ की तरफ से आनी है, सुपर टैकल का मौका है। थर्ड राइट डुबडाई राइट तीन गेट फैसला निकल कमाल की रेड है, जबरदस्त मल्टी पॉइंट खिलाड़ी कोर्ट में बचे हुए लोन का खतरा है हमारे डरता हुआ योवे के नहीं ऊपर। अगर यहाँ टच पॉइंट नहीं हुआ रिवाइवल नहीं हुआ मतलब तो ऑल आउट हो जाएगी टीम। कौन इसके ऊपर करके रखा है रेड आउट ऑल आउट मिलता हुआ बोनस जरूर मिला है। तो यहाँ वापसी करते हैं मेरे सुंदर जबरदस्त गेम दोनों टीमों की तरफ से, पहले भाई मेरठ का पड़ रहा भारी था उसके बाद ऑल आउट दिया मेरठ ने यूपी को, फिर यूपी ने मेरठ को ऑल आउट दिया। फिर से सेकंड हाफ में शुरू में ही मेरठ ने एक ऑल आउट दिया है यूपी को, क्या यूपी यहां से वापसी करेगी। अमित नगर क्या भाई एक और सेंटर लाइन पर टैकल जबरदस्त इस गोल जो है मेरा 23 और योगी 18 भाई 23 18 पांच पॉइंट का 18 और 23 का स्कोर यहां इस टैकल के साथ। तो निखिल यहां पांच अंक के लीड है इस मैच में मेरठ की टीम का, देखिए यहां से क्या होता है। बहुत सुंदर इनाम वापस पर शूट करने का प्रयास बोनस मिला है 19 थर्ड राइट डू अढ़ाई राइट बहुत जबरदस्त गेम भाई खिलाड़ी पांच पॉइंट का है मेरे के गोल में विक्रांत देखा जाए क्या होता भाई। स्कोर की बात करें साथियों 20-24 का स्कोर है, चार पॉइंट की लीड अभी भी मेरठ के पक्ष में। पूल का मुकाबला है पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का, अरे सुंदर तीन जबरदस्त ब्लॉक सूरज का कमाल का टैकल भाई धीरे धीरे फिर से वापसी कर रही है टीम इस मुकाबले में, कमाल का गेम अभी तक भाई दोनों टीमों की तरफ से। साइड हैंड टच लगाया है क्या स्वीकार किया जाएगा वापस ये देखिए एक नंबर खिलाड़ी के द्वारा योगी की तरफ से पांच नंबर एक खिलाड़ी ने पांच के डिफेंस में पांच नंबर जैसी और
धीरे धीरे फिर से वापसी कर दी। एक मजबूत कवर बनाते हैं यहाँ मेरठ की टीम और देखा जाए कि योगी की टीम कहां तक वापसी कर पाती है। एक नंबर जस्टी में रहना यहाँ गलती किया आर्यन भाई सामने से आए ब्लॉक करने का प्रयास अमित नागर भाई करता हुआ खिलाड़ी बोनस प्लस वन एक बार से नंबर एक लंबे जगते रैना भाई कमाल का प्रदर्शन कर रहा है खिलाड़ी युवा खिलाड़ी इस मुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन और दोनों टीमों ने भाई कमाल का गेम दिखाया अभी तक। अलग भाई एडवांटेज इस समय मेरठ के पास बोनस मिल निखिल कमाल का टैकल अमित का कहां से निकल कर लगा दिया भाई पता भी नहीं लग रहा है। 2526 का स्कोर यहाँ 26 मेरठ 25 यूपी भाई 25-26 स्कोर हालांकि अंतर एक पॉइंट का रह गया। देखिए यहाँ से होता क्या है और पांच नंबर यूपी की तरफ से रेड यहाँ जो अंतर है वो घट कर रहेगा भाई एक पॉइंट का मात्र। अमित नागर भाई कमाल का प्रदर्शन किया है लास्ट पांच मिनट स्कोर 25-26 स्कोर है मेरठ 26 योगी 25 लास्ट हाफ 5 मिनट भाई 25-26 का स्कोर है मेरठ एक पॉइंट के लीड में है। बेहतरीन मुकाबला यहाँ चलता हुआ और रैना एक नंबर स्कोर 25-26 स्कोर हो गया भाई 26-26 बराबर थर्ड रेड डू अडाई रेड यूपी की तरफ 26-26 साल का स्कोर यहाँ से देखिए अब क्या होता है 26-26 स्कोर बराबर रेवरी महोदय कमाल का मुकाबला देखने को मिला है विक्रांत समर रेड में पांच नंबर जर्सी में विक्रांत भाई देखिए यहाँ से इस मैच का परिणाम किस टीम के पक्ष में जाता है। देवरिया यूपी का ये मुकाबला बेहतरीन मुकाबला और भाई कमाल का टैकल देखने को मिला है फिर से अंतिम चार मिनट का समय से 26-27 एक पॉइंट की लीड फिर से मेरठ के पक्ष में आ गई। कमाल का प्रदर्शन दोनों टीमों की तरफ से अभी तक देखने को मिला है। ऋतिक एक बना के खेल रही है कमर सैन अकेडमी खिलाड़ी इस समय रेड में मेरठ की तरफ से मेरठ का प्रतिनिधित्व करता हुआ बेहतरीन मुकाबला अभी तक देखने को मिला है। भाई कमाल का प्रदर्शन किया है पूरे इस मुकाबले में अमित नागर और फल्लू ने जबरदस्त वही प्रदर्शन बरकरार रखता हुआ अभी तक लास्ट तीन मिनट का समय से स्कोर की बात करें 26-27 स्कोर है 26-27 का स्कोर एक और एम्प्टी रेड मतलब अगली डू और डाई रेड आनी है यूपी की तरफ से नहीं भाई पहले डू और डाई मेरठ की तरफ से आनी भाई थर्ड रेड डू और डाई रेड क्या स्कोर बराबर होगा इस रेड का अगर टैकल मिला तो स्कोर बराबर आशीष सामने से आए निकल कर रहा एक और बेहतरीन प्रयास ऋतिक का कामयाब प्रयास आगे भाई दो पॉइंट इधर भी दो अढ़ाई रेड
लास्ट दो मिनट मेरठ तो दो पॉइंट की लीड में है। स्कोर की बात करें 27-28 स्कोर है, 27-28 स्कोर अभी भी मेरठ के पक्ष में है। अगर टैकल हुआ तो स्कोर फिर से बराबर। देना पांच मिनट 27-28 स्कोर। एक और एम्प्टी राइट। भाई स्कोर की बात करें 27-28 स्कोर है। ऋतिक रूपेश अब कह सकते हैं लूज कर दिया है। लास्ट एक मिनट का समय और कमाल का एक और बेहतरीन टैकल मेरठ का। भाई 27 स्कोर हो गया। अब कह सकते हैं 3 पॉइंट की लीड इस समय मेरठ के पक्ष में है। अंतिम क्षण चलते हुए इस मुकाबले के। क्या ये लास्ट रेड देखने को मिलेगी? एक और रेड इसके बाद टाइम आउट लिया है। 15 सेकंड का समय बचा। टाइम आउट समाप्त होता हुआ और पूरा रेड स्कोर हो गया भाई 28-30। मुकाबला समाप्त होता हुआ भाई मेरठ बाजी मारती हुई इस मुकाबले में। ये ऑफिशियल इस प्रकार है। पहले ही मुकाबले में रेफरी टीम को पछाड़ दिया गया है। विजय पाल अंपायर डॉक्टर एहसान स्कोरर रफ्तार। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।